शहर ब्लॉक कांग्रेस नीमच द्वारा आज कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेसजनों ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी को देश में संचार क्रांति के अग्रदूत और पंचायती राज के जनक के रूप में याद किया जाता है। स्वर्गीय राजीव गांधी बम विस्फोट की घटना में 21 मई 1991 के दिन शहीद हुए थे। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि को पूरा देश सद्भावना दिवस के रूप में मनाता है। उनके कार्यकाल में मतदान की पात्रता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसजनों ने स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किए गए कार्यों और देश के प्रति उनके योगदान का स्मरण किया। आज इस अवसर पर मधु बंसल, राकेश अहीर, ब्रजेश मित्तल, महेश बिरवाल, विमल शर्मा, पृथ्वी सिंह वर्मा, राकेश वर्मा, शिवहरे, जाकिर मंसूरी, बबली तंवर, बलवंत यादव, योगेश प्रजापति, रमेश कदम, अलियास कुरेशी, मनोहर अंब और बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। आज हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी की पुण्यतिथि थी। सभी कांग्रेस जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, सभी ने अपने अपने रखे हैं। राजीव जी वो शख्सियत थी जो देश में कम समय के लिए प्रधानमंत्री बनी और उनकी जो कार्यशैली और जो उनने कार्य किए वो आज तक हम लोग याद करते हैं। लोग उस टाइम पे जब कंप्यूटर और मोबाइल राजीव जी ने लाए थे उस टाइम पे लोग बहुत विरोध कर रहे थे कि इससे कंप्यूटर से लोगों को ये हो जाएगा। आज अपन हम लोग सब उस कंप्यूटर के बगैर आज हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये राजीव जी की देन थी, राजीव जी की सोच थी। पूर्व प्रधानमंत्री को हम चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज राजीव जी की पुण्यतिथि है। आज के दिन उनकी शहादत हुई थी और 21 मई 1991 को उनकी शहादत हुई थी। कांग्रेस पार्टी के ऐसे होनहार हमारे प्रधानमंत्री थे जिनकी नीतियां आज न केवल देश में वरन संपूर्ण विश्व में उनकी सराहना की जा रही है। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश के लोगों ने और साथ ही कांग्रेस पार्टी के लोगों के बलिदान के स्वरूप जो देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिली और हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ उसमें केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का योगदान है। मोबाइल वगैरह जो भी हमारे सोशल मीडिया का जो कार्य है वो राजीव जी की संचार क्रांति की देन है, इसलिए हम उनको याद करने के लिए उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आज सभी यहाँ उपस्थित। नीमच से अब्दुल अली रानी की रिपोर्ट।